14 वर्ष पुराने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में फरार चल रहे अंतर्राज्यीय स्थायी वारंटी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने अब तक 32 स्थायी सहित 103 वारंटी गिरफ्तार किए हैं। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देशानुसार कोतवाली TI मनीष त्रिपाठी द्वारा आचार संहिता के मद्देनजर अपराधियों, गुंडा बदमाशों एवं स्थायी वारंटियों की धरपकड़ में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली TI मनीष त्रिपाठी ने पुलिस टीम रवाना कर 14 वर्ष पूर्व चोरी के प्रकरण में फरार चल रहे अंतर्राज्यीय स्थायी वारंटी को सोनभद्र उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सन 2005 में निवाही मोड़ से एक TVS सेंट्रो मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना बेड़न में आपराधिक मामला दर्ज कर दो अज्ञात व्यक्तियों की तलाश की जाने लगी, जिस पर संतोष निवासी बलिया व शिव कुमार विश्वकर्मा निवासी नदिरा का पता चला, जो दोनों युवक NCCL कर्मी के पुत्र थे। उक्त समय पर निगाही कॉलोनी में रहते थे, जिसमें आरोपी शिव कुमार विश्वकर्मा की गिरफ्तारी के बाद 64 दिनों तक जेल में रहकर जमानत पर छूटने के बाद 14 वर्षों से लगातार फरारी काट रहा था। कुल 103 वारंटियों के वारंट तामिल किए गए हैं, जिसमें चोरी, डकैती, मारपीट, लूट, छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं के 2 साल से लेकर 30 साल तक के फरार वारंटी शामिल हैं। साथ ही अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर 57 प्रकरण दर्ज कर भारी मात्रा में अंग्रेजी व महुआ देशी शराब जब्त की गई है। उक्त कार्रवाई में प्रधान आरक्षक संतोष सिंह, अरविंद चतुर्वेदी, आरक्षक संजय परिहार, महेश सिंह, सूरज धाकड़, महिला आरक्षक शकुंतला एवं साइबर सेल प्रभारी दीपेश पटेल की सराहनीय भूमिका रही।